अखिलेश यादव तो मुसलमान नहीं है, हिंदू है ना, वो उनके साथ हैं, प्रेमचंद प्रजापति उनके साथ हैं, बाबूराम पाल उनके साथ हैं, कृष्णा पटेल उनके साथ हैं, संजय चौहान उनके साथ हैं, अनिल चौहान उनके साथ हैं, बाबूराम पाल उनके साथ हैं, रामसागर बिंद उनके साथ हैं, ये कहाँ से जोड़ रहे हैं 80? ये बता तो रहा हूँ कि 10 मार्च को 10 बजे काउंटिंग टीवी पर देख करके ये दरवाजा बंद कर लेंगे या भीतर बैठ के रोएंगे सब, कि हमने समुद्र को तालाब समझ लिया और समुद्र ने अपना जब उफान फाना तो बड़े बड़े लोगों को धराशाही करके जमीन में दफना दिया, वही खेल शुरू किया। आप एक अनुभवी नेता हैं, और पहले के अखिलेश और आज के अखिलेश में क्या अंतर है जिस 85 और 15 की लड़ाई चलती है? बहुत अंतर है। कल आपने एक फोटो देखा होगा, अंतर नहीं समझ में आया क्या? वो फोटो बीजेपी में देख लीजिए कि डिप्टी सीएम केशव देव मौर्य और स्टूल पर बैठाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठते हैं, अंतर नहीं है, अंतर साफ है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठेंगे और उसको फाइबर की कुर्सी दी जाएगी, अंतर साफ है। आप लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी लगातार उनके साथ कुछ और जो गठबंधन साथी हैं उनको आश्वासन देते देते आचार संहिता लग गई लेकिन उनका मामला फिट नहीं बैठा, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? साहब देखते जाइए खेल क्या होता है ना, आज वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं ना, सीटिया तो पहले घोषित करें संजय निषाद का, आज ना कैलन तो देखा रुवत रुवत गोरखपुर जाइए। क्या लगता है ये भी आएंगे अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी आएंगे आप लोग के साथ? अब भाई देखते जाइए ना, हम वो व्यक्ति हैं दो लाइन का दोहा बताते हैं, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रही है। कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकान है किसको? बिना ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के यहाँ शरण नहीं मिलेगी, देखिएगा ना। अभी उसी नाते 20 तारीख जो मैंने बताया ना, कल 14 तारीख है, कल को लेके बहुत सियासी आकलन लग, कल कुछ बड़ा होने वाला है, आप लोग आप भी लगातार 14 तारीख का नाम ले रहे थे, कल क्या कुछ बड़ा होगा कुछ बताएंगे? नहीं कल, हाँ, कल बताएंगे, आप आइएगा वहीं दिखाएंगे। एक लास्ट सवाल मेरा, बीजेपी लगातार कह रही है कि जो अखिलेश जी के जो गठबंधन साथी सीट को लेके खींचातानी चल रही है, क्या ऐसा कुछ है? बताए ना, ये भाजपा इनके कुछ तो हो नहीं, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, अन्ना पशु से किसानों को निजात दिलाने की बात नहीं करेंगे, तो क्या कही है? यह कुल जो ना समझ में आई हुआ कही है। इनके नेता तो कहते हैं राम राज्य आ गया, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर वन है, तो उसको लेके क्या? नहीं सही कहते हैं, राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया शूद्र समाज के थे, यहाँ तो ब्राह्मणों का गर्दन काटा जा रहा है। 500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराया योगी जी ने, जो उनके संगमा जितिन प्रसाद जी हैं प्रेस वार्ता करके बड़ी लंबी फेहरिस्ट गिनाते थे, उन्हीं के सत्मा है ना, दो दो चीरहरण हुआ, महाभारत में तो एक हुआ था, यहाँ दो दो चीरहरण हुआ है प्रमुखी के चुनाव में। एक योगी जी के पास तो बुलडोजर, ये तो बुलडोजर भेजते हैं, अपराध खत्म करने के लिए बुलडोजर चलवा देते हैं। एक ठाकुर को बता दीजिए, एक ठाकुर को, ये शुद्ध रूप से सरकार ठाकुरों की बन के रह गई, ब्राह्मण की हुई नहीं, बैकवर्ड की हुई नहीं, शेड्यूल कास्ट की हुई नहीं, हुई किसी की? खुशी दुबे